हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं हूं घर, तो मैं आज घर में जो भी काम करूंगा मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करूंगा। इंटरेस्टेड हो तो बने रहे लास्ट तक वीडियो के साथ। पुराने कपड़ों में आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है घर से। सो इस वक्त मैं सबसे पहले काम करने लगा हूँ, अपनी गाड़ी को स्टार्ट करना है मेरे को। बहुत दिनों से गाड़ी को मैंने चलाया नहीं है, तो घर में खड़ी है तो उसको स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है? तो बने रहे लास्ट तक वीडियो के साथ। सो दोस्तों ये लगी है अपनी गाड़ी, इसको खोलते हैं पहले। भाई बहुत दिन हो गए भाई, इसको चलाया तक नहीं है हमने। आज करते हैं इसको पहले स्टार्ट, देखते हैं कि एक सेल्फ में होती है स्टार्ट की नहीं। क्या चक्कर है भाई, देखना ये कि स्टार्ट होनी चाहिए यार। या बिल्कुल हो चुकी है स्टार्ट भाई, एक ही सेल्फ में। तो कुछ देर के लिए हम रखेंगे इसको स्टार्ट ही, ताकि जो भी इसकी इंजन में प्रक्रिया होती है वो ठीक हो जाए। तो नेक्स्ट काम देखते हैं क्या मिलता है मेरे को। धूप मस्त निकली हुई है, शीशा बिल्कुल गंदा हो गया आगे से। क्या करो साफ इसको, क्या करना फिर। शाबाश, कैसा लग रहा हूँ मैं इस साइड से देखो। नहीं मेरे छोटा है, अब देखो है ना मुस्कुराहट अच्छी। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं मनावत अभी मैं जाऊँ नहाने के लिए, बट क्या करूँ यार, दोस्त कोई है नहीं घर, सभी स्कूल गए हैं। तो आई थिंक कल संडे या कल जाएंगे हम भाई, अगर मनावत अभी में पानी अच्छा हुआ तो। सो दोस्तों गाड़ी स्टार्ट करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है, अगर गाड़ी कुछ दिनों तक स्टार्ट ना की जाए तो उसकी बैटरी डाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर धक्का लगा के स्टार्ट करनी पड़ती है, उसमें होती है इंसल्ट भाई। इसलिए पहले ही थोड़ा माइंड को लगा लिया करो, जिसके पास गाड़ी है भाई उसके लिए बोल रहा हूँ, और जिसके पास नहीं है वो उम्मीद रखना कि मेरे पास गाड़ी आएगी तो मैं ऐसा किया करूँगा। कभी भी हिम्मत नहीं हारना मेरे दोस्त, मैं भी ऐसा ही था, कभी सोचा नहीं था गाड़ी में बैठूंगा कभी गाड़ी चलाऊंगा, लेकिन आज है भाई अपने पास, क्यों है वो ऐसे घमंड करना इस बात पे। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना, खुद में पॉजिटिविटी रखना हमेशा भाई। सो दोस्तों फाइनली गाड़ी को बंद कर दी है, 5 मिनट गाड़ी को स्टार्ट रखा था भाई, अब थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो गया कि गाड़ी स्टार्ट हो जाती है भाई। सो अब मैं आ चुका हूँ अपनी मम्मा के पास, यहाँ पे देख रहे हो पीछे क्या कर रहे हैं भाई, गोडी चल रही है, गोडी करो करो भाई, देखेंगे हम तमाशा देखने आए हैं सिर्फ इधर इनकी गोडी का। सब्जी लगाने का मौसम आ चुका भाई, किस चीज़ की सब्जी लगाए हुए अब बताओ। आलू पालक और धनिया और थूम, आप भी लगाओ भाई जिसके घर में थोड़ी स्पेस है ना, सब्जी लगाया करो मेरी मम्मा की तरह, हार्ड वर्क। इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा आपको भाई। सो दोस्तों फाइनली नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, और लंच में लगी थी मुझे भूख, मम्मा ने बना के दी ये पीले चावल, इट्स माय फेवरेट डिश, तो इसको खाते हैं फटाफट, फिर मिलता हूँ आपसे भाई। सो है माई प्यार यूट्यूब फैमिली, सो दोस्तों मिली मेरे शुभम भाई से। शुभम भाई क्या हाल चाल है, स्कूल का टाइम चेंज हो चुका आजकल। कितने बजे? 3 बजे छुट्टी, और लगता कितने बजे है? 9 बजे। सो ठीक है भाई, चलो जाओ फिर घर में जाओ, करो आप डिनर, सॉरी लंच करो आप जाकर 3 बजे। सो है माई प्यार यूट्यूब फैमिली, सो दोस्तों इस वक्त मैं जा रहा हूँ भाई अपनी शॉप पे, भाई बोल रहा है आज कोल्ड ड्रिंक वाली गाड़ी आएगी, तो कोल्ड ड्रिंक खत्म हो चुकी है दुकान पे, वो लेनी है। सो पैसे लेके निकल रहा हूँ मैं अपने घर से भाई, और जाऊँगा यहाँ से 3 वाली मेटाडोर में जो कि आती है घोड़ वाली, ठीक है? और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि डेली रूटीन कोई ऐसी नहीं है कि मैं आपको डेली रूटीन ब्लॉग दिखाऊँ, ठीक है? कुछ बंदे बोल रहे हैं भैया डेली ब्लॉग्स बनाया करो, भाई नहीं बनते हैं यार डेली, कुछ अच्छा है ही नहीं इतना खास मेरे गाँव में जो कि मैं आपको डेली दिखाऊँ। और पीछे देख सकते हो हमारे कार्तिक भाई जी आ रहे हैं साइकिलिंग करते करते। सो करते हैं मेटाडोर का इंतजार, पहले पहुंचते हैं स्टॉप पे भाई, लेट्स गो भाई। सो फाइनली दोस्तों पहुंच चुका हूं अपनी मेटाडोर से सीधा अपनी दुकान पर।
सो दोस्तों फाइनली शाम के 6 बजे अब आई है कोल्ड ड्रिंक वाली गाड़ी हमारी दुकान पे भाई। पिछला बिल हम पेंडिंग करेंगे और नेक्स्ट बिल हम कंटिन्यू करेंगे भाई। जैसे कि देख सकते हो भाई पेप्सी वालों की गाड़ी आती है हमारी दुकान पे भाई। ओहे मई प्यारी यूट्यूब फैमिली। सो दोस्तों इस वक्त मैं हूँ अपने मनावर तवी के ब्रिज के ऊपर। सो फाइनली कोल्ड ड्रिंक वाली गाड़ी आई थी तो हमने जितना भी सामान लेना था वो ले लिया और जो भी बिल पेंडिंग था वो भी क्लियर कर दिया। अब कोई बिल नहीं रहता मेरा। सो भाई आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, आज की डेली रूटीन में इतना कुछ खास तो मैंने दिखाया नहीं, लेकिन जो कुछ भी दिखाया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा भाई। ठीक है, और आने वाले टाइम में अब हमारे गांव में दंगल स्टार्ट होने जा रही है यानी कि सिंज, तो वहां के ब्लॉग में शूट करूंगा, अच्छे से आपको दिखाऊंगा। बहुत से लोगों को इंटरेस्ट होता है कि भाई दंगल में क्या हुआ होगा, कौन सा पहलवान हमारे गांव में फेमस है ज़्यादा, कुछ कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि हर एक बंदा जानना चाहता है और इंटरेस्टेड है। और आने वाले टाइम में कुछ वीडियो सोची रखी हैं कि मैं एक्सप्लोर करूँगा उन चीज़ों को और आपको दिखाऊँगा। बस छोटा सा कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती है और बुरी लगती है, तो उसको सुधारने की कोशिश करूंगा भाई। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एक्सपीरियंस आता अपने इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।